मुझे सरकार से बस एक ही बात कहनी है कि जब एक टीचर सारे विषय नहीं पढ़ा सकता तो हम क्यों सारे विषय पढ़ें? गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि आपने वीडियोस देखी होगी अनिका के लिए जो थी, मुझे धमकी मिल रही थी तो मैंने बात करी है और बात करके मैंने बोला है कि मुझे, मैं जैसे जी रही हूँ मुझे जीने दिया जाए। और मुझे पता है, ये चीज़ पता है कि जब इंसान उसका हक नहीं दे पाया तो उसको कैसे ले जाएगा। लेकिन जहाँ मेरी बेटी की बात आती है तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। कोई भी माँ होगी परेशान हो जाएगी। एक तो मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, आप लोगों को पता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी कि कहीं कुछ मेरी बेटी को हो ना जाए। मैं उससे बस यही चीज़, लेकिन मैंने बात करके उनको समझा दिया है कि प्लीज़ मुझे परेशान ना करो, मैं जैसे जी रही हूँ मुझे जीने दिया जाए। और तो उधर से क्या जवाब आया है ये आप लोग भी जानना चाहते होंगे ना। तो उन्होंने यही कहा है कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं देना चाहता हूँ, बस तुमको हमेशा मैं परेशान ही करूँगा। तुम, उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके घर आके उनका घर बर्बाद हो गया, इसलिए वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं, मुझे, मेरी बेटी को मुझसे छीन के। तो देखो, बेटा तुम्हारा गया है तो ज़िंदगी मेरी भी तबाह हुई है, मेरे बच्चे की भी तबाह हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही तबाह हुई है, आपके पास एक बेटा भी है और घर परिवार सब है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैंने ये नहीं कहा कि आपको तकलीफ़ नहीं है, आपको कुछ है नहीं, सब कुछ है, लेकिन मुझे परेशान करके आपको शांति मिल रही है कि मैंने शादी ना की होती तो शायद आपका बेटा आज इस दुनिया में होता। जो मेरी जगह पे कोई और लड़की होती तो होता तो आप क्या करती? हमने लव मैरिज करी, इसका मुझे इतना बड़ा इल्ज़ाम मिला है ना। देखो, माँ अपने बेटे को नहीं खा सकती, बहन अपने भाई को नहीं खा सकती, भाई अपने भाई को नहीं खा सकता, तो पत्नी पे ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है कि पत्नी ने खा लिया? कोई बात नहीं, मन मेरा शांत इसलिए है कि मैंने बात क्लियर करी है। मुझे परेशान ना जो किया गया तो मैं पुलिस के पास जाऊँगी, बस। बाकी उनकी मर्जी, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो जाने, जिसका महाकाल उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना बिगड़ना था मेरे जीवन में सब बिगड़ गया। अभी हम आपको दिखाते हैं इधर का मौसम कैसा है। ये देखो, कुछ बादल हैं, है ना, इधर धूप आ गई है, खा रही है। और अनिका क्या खा रही हो? आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? बस नहीं आई ना। अनिका देखो क्या देख रही है, टीवी देख रही है, इधर भगवान की। तो आज अनिका की बस ही नहीं आई थी गाइस, हम बहुत देर तक इंतजार करते रहे पर बस नहीं आई, तो आज अनिका की हो गई छुट्टी। आज अनिका की हो गई छुट्टी। और पता है, अलमारी खोल के मैं बंद करना भूल गई। चलिए बने रहिए आप लोग। तो गाइस यहाँ पे मूवी चल रही थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और आज मेरा
मतलब सुबह से मैं खुश हूँ और शाम का टाइम हो गया, 3 बजे मैं सारे काम से हो गई थी फ्री, तो सोचा थोड़ा सा डांस तो करना बनता ही बनता है ना। तो यहाँ पे दोनों देख रही थी मूवी और मैं डांस कर रही थी। मैं उसी तरीके से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बताओ ये कौन सा गाना है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। अच्छा लगता है जानू फिर से कहो ना, ओ मेरी सोना तुम मेरे हो ना, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। तो यहाँ पे इनका हीरो तो सामने था पर मेरा तो हीरो नहीं है ना, तो मुझे जिस तरीके से समझ में आ रहा था मैं कर रही थी। बस मैं आज खुश थी क्योंकि मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली है, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप लोग देखिए और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मैं वीडियोस चला के रख देता हूँ, 2-2 बार चला देता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को जो आप मेरी इतना सपोर्ट कर रहे हो, बस आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। बस अनिका कहाँ गई थी पहले ये बताओ, टहल के आई हो ना? हम लोग टहलने गए थे, टहलना भी बहुत जरूरी, खाना खाने के बाद सेहत के लिए अच्छा रहता है ना। अब लेटेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कपड़े चेंज करेंगे अब लेट जाएंगे। अनिका ताला खोलने लग गई है, दिखाएं ये देखो ताला खोल लेती हूँ, इतना सीख गई हैं ये देखो। ये देखा आप लोगों ने, चलिए गाइस पूजा आ जाती है उसके बाद अब हम लेटते हैं। पूजा नीचे थी और वो भी आ रही थी, मैंने तेल लगाया है और तेल लगा के बैठी हूँ, खाना बना रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। ये कौन है देखिए, ये क्या, ये किसके नाम लिख के आई है? अनिका शर्मा, सेकेंड नेम शिवम शर्मा, थर्ड नेम पूजा शर्मा, फोर्थ नेम थर्ड नेम नेहा शर्मा, फोर्थ नेम पूजा शर्मा, द एंड नाम खत्म हो गया। और ये मेरी मेहंदी, ये इनके जितने लोग हैं उनके नाम डाली है इनका, कि पापा का नाम अपनी डाली है, अपना नाम डाली है, मेरा नाम डाली है, अपनी मौसी का नाम डाली है। तो गाइज आज है संडे और अनिका घर पे है तो कर रही है पढ़ाई, और उसको मैंने नहला दिया है बाल धुला के और अच्छे से, तो तब तक वो पढ़ाई करेगी तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा है ना। और तो चलिए अभी हम आप लोगों से मिलते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं एंड गाइज, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। गाइज यहाँ पे अनिका कर रही है पढ़ाई और हमारा सारा काम हो गया है किचन का फाइनल, हमने कद्दू की सब्जी बनाई आपको दिखाते हैं चल के। और अनिका तो पढ़ाई कर रही है, पानी भर गया मेरा, ये देखिए ये रही कद्दू की सब्जी और ये रही रोटियां। पता है ये रोटियां अजीब दिख रही होंगी, मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब दिखती है, क्यों अजीब दिखती वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आटा मेरा खत्म हो गया था, जो आटा मैं लेके आई थी ना वो इतना ख़राब आटा है, जैसे लगता है ना कि मैं मैदा खा रही हूँ, तो उसमें रोटियाँ पता नहीं कैसी बन रही हैं, ना रोटियों में कोई टेस्ट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। अभी मेरा चेहरा अजीब लग रहा होगा, मैं ब्लॉग को इससे एंड कर दूँ, फिर अभी शाम के टाइम हेयर वॉश करूँगी और ठीक है, चलिए बने रहिए। नहीं तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।